हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप भी अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आप भी टॉपर बन सकते हो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपको अपने लाइफ में कुछ स्मॉल चेंजेस करने पड़ेंगे जो टॉपर करते हैं आप नहीं कर पाते। तो देखो यार, एक चीज़ मेरा गार्ड बन के रख लो कि अगर आप लाइफ में सक्सेस हो गए ना तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप होते हो। तो इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर आप अपने लाइफ में फेल होते हो तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा बल्कि आप खुद होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अपने लाइफ में आपको सक्सेस होना है या फिर फेल होना है। सो कुछ स्मॉल चेंजेस है जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसको करके आप डेफिनेटली जो गोल आप सेट करोगे वो अचीव कर लोगे। सबसे पहला है सेट अ क्लियर गोल। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको लाइफ में बनना क्या है, करना क्या है, तो आप कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। यानी कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में बनना क्या है। वो आपकी जॉब हो सकती है, कोई नेम फेम भी हो सकता है, या फिर कोई नौकरी भी हो सकती है, या फिर अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड से हो तो आपका वो बोर्ड एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्लियर गोल सेट करो कि एक्चुअल में आपको बनना क्या है, उसके बाद से जो बाकी चीज़ें होंगी वो काम करेंगी। अगला बात आती है कि हम गोल को डिसाइड कैसे करें, यानी कि किस कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में मुझे क्या पसंद है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है आपको देखना पड़ेगा। डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो या फिर जॉब हो। आपको अपने इंटरेस्ट की चीज़ें खोजनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो कि एक्चुअल में मुझे टॉपर बनना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये जॉब पाना है, या फिर अपने लाइफ में यहाँ पहुँचना है। दूसरा है ब्रेक डाउन गोल्स। देखो, गोल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी गोल हो सकते हैं, लेकिन उसको पहुंचने की सीढ़ी अचानक से नहीं मिलती, वो एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। यानी कि जो भी आपका गोल होगा उसको छोटे छोटे गोल्स में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े गोल की तरफ अचीव कर सकते हो। यानी कि आपको अपने गोल को छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। अब देखो, लाइफ में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हेल्थ, एजुकेशन, एम। अगर ये आपके पास तीन चीज़ें हैं तो आप कोई भी गोल अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको शेड्यूल से ही चलना पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप एक दिन एक पूरी रात पढ़ लिए और अगले दिन पढ़े ही नहीं, एक महीना तक बस घूमे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। उसके लिए आपको डेली स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने घंटे इस टॉपिक के लिए पढ़ना है, इतना मिनट पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि 16 घंटे पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ते हो, डेडिकेटेड पढ़ो। उस 2 घंटे में कोई लूप होल नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, इवन आप 10 मिनट भी पढ़ते हो ना, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 2 घंटे के बराबर होता है। मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मैं जब वही एज ए स्टूडेंट सोचता था तो घंटों किसी टॉपिक को पढ़ता था, याद नहीं होता था, लेकिन जब मैं एज ए टीचर उसको सोचता हूँ तो मुझे अगर कोई चैप्टर पढ़ाना है तो मैं मात्र 5 से 7 मिनट देखता हूँ और वो मुझे चैप्टर तैयार हो जाता है और मैं जाके घंटों उस पर लेक्चर दे देता हूँ। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरा वहाँ डेडिकेशन होता है कि मुझे 10 मिनट ही टाइम है, मुझे ये पढ़ के जाके बच्चों को पढ़ाना है, तो वो मेरा डेडिकेशन है। अगर वो डेडिकेशन आप सेट कर गए तो आप भी कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए चाहिए आपको स्टडी शेड्यूल, कितने घंटे पढ़ने, कितना मिनट पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ना है, ये सब के सब स्टडी शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कंसिस्टेंट रूटीन। अब ध्यान दो, जो टाइम टेबल हमने बनाया, ऐसा नहीं है कि आज हिंदी का बनाया एक महीने बाद हिंदी का टर्म आ रहा है, आज हमने इंग्लिश का बनाया एक वीक बाद इंग्लिश का टर्म आ रहा है। इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई वो तैयार होगा ही होगा। तो उसके लिए जो भी आप टाइम टेबल सेट करो, जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो, उसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि जब तक वो ख़त्म ना हो जाए उसको हमको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला है बैलेंस्ड अप्रोच। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ ही पढ़े जा रहे हो, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश सब गायब, सीधे एग्ज़ाम के दिन पढ़ेंगे। नहीं, अगर आपको टॉपर बनना है तो सारे मार्क्स जरूरी हैं। उसके लिए बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि हर विषय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी पेपर्स इक्वल मार्क्स के होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बैलेंस्ड अप्रोच से ही तो चलना होगा ना।
तो उसके लिए ज़रूरी है हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक। अब ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बनाया कूद पड़े पढ़ने के लिए और पता चला घंटों पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया ही नहीं, तो उसके लिए कुछ स्टडी टिप्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। आप प्रोमोडोर मेथड का यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, 10 मिनट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, 20 मिनट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सिर्फ 10 मिनट के लिए फुल फोकस के साथ पढ़ते हो। अब फुल फोकस कैसे होगा, फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, किसी ऐसे जगह चले जाओ जहाँ से आप घर इजीली वापस ना आ सको, जैसे लाइब्रेरी हो सकता है, पार्क हो सकता है, आप उसमें बैठ के पढ़ सकते हो, या फिर किसी टॉपिक को 10 मिनट के लिए उसका सबसे इजी पोर्शन उठा के पढ़ना शुरू कर दो, तब उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। जैसे इंटरेस्ट बिल्ड होगा आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। अब देखो ये अचानक से नहीं होता, इसको कई दिन फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए इफेक्टिव स्टडी टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया इफेक्टिव स्टडी टेक्निक होता क्या है, ठीक है। आप 10 मिनट की स्ट्रेटजी, 30 मिनट की स्ट्रेटजी, इवन 20 मिनट की स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हो। इसमें 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे आपको सब्जेक्ट का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप बर्स्ट नहीं होगे, मतलब थकान आपको फील होगा ही नहीं, आपको लगेगा अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, और आपको वो टॉपिक कब ख़त्म हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको देखना पड़ेगा। एक्टिव लर्निंग, जैसे हमने बताया ना कि 20 मिनट की स्ट्रेटजी पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ये सब के सब एक्टिव लर्निंग टेक्निक में आते हैं। या फिर एक्टिव लर्निंग टेक्निक में आप वीडियोस के थ्रू भी पढ़ सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसको वीडियोस के थ्रू पढ़ लो, पढ़ने के बाद से उसको वन लाइनर पॉइंट्स बना के नोट्स बना लो, उसको दोबारा से रिवाइज कर लो, ये भी एक्टिव लर्निंग के थ्रू आता है। इसको फॉलो करके भी आप अपने स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हो। अगला है यूज़ डाइवर्स रिसोर्सेज। अच्छा, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको रिवीजन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगली बार जब रिवीजन करने पड़ते हैं तो हम पोथा लेके बैठ जाते हैं, और जब पोथा लेके बैठते हो तो आपको रिवीजन में पढ़ने में फ़र्क क्या है। उसके लिए हमको डाइवर्स सोर्सेस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स ले लो, खुद के हैंडआउट बना लो, या फिर आप यूट्यूब लेक्चर के थ्रू वन शॉर्ट वीडियो देख के भी उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, वो कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज हो सकता है। अगला है प्रैक्टिस रेगुलरली। अब जो भी चीज़ पढ़ रहे हो अगर वो आपको तैयार हुआ ही नहीं तो आपका प्रिपरेशन करने का फ़ायदा ही क्या। और ये पता कैसे चलेगा, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे, एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है जो भी चीज़ पढ़ो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता तो चले आपने जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि किसी दिन ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट पूरे 24 घंटे पढ़ता है और फिर 2 महीने या 10 दिन या 2 दिन पढ़ाई नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेज कर ले गए तो कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो आप 10 दिन में उसको क्लियर कर सकते हो। मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और मैंने जब अपने एग्ज़ाम को दिया था मात्र मेरे पास 10 दिन बचे थे, क्योंकि कोर्ट में मैटर चला गया था, और ऐसा होता है कि अपने यूपी में जो भी मैटर कोर्ट में जाता है वो सालों साल चलते रहता है, तो लोगों ने कहा कि भैया आप भूल जाओ कि ये भर्ती आने वाली है, लेकिन अचानक से कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने डिसाइड किया कि 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम कराने हैं। मैंने 10 दिन में उस चीज़ को क्लियर किया, यानी कि ये चीज़ तो श्योर है अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है तो आप उसको अप्लाई करके कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। मैं करता ये था, जब पढ़ने का टाइम होता था तो सिर्फ पढ़ता था और नींद आती थी सो जाता था, चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई के बाद ही क्यों ना नींद आए हो, फिर जब उठता था फिर पढ़ने बैठ जाता था, फिर आधे घंटे की पढ़ाई के बाद नींद आती थी तो सो जाता था। मुझे टाइम मैनेज करना आ गया था, क्यों, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम कहीं और नहीं लगा रहा था, टीवी देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में, घूमने में, दोस्तों के साथ चिल करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था। अगर मैं वहाँ टाइम वेस्ट करता तो आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट का होना। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रायोरिटाइज टास्क, जैसे हमको मैथ्स का कुछ टॉपिक है जो नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ना, ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब ऐसा नहीं कि पर डे आप उसको आधे घंटे पढ़ रहे हो और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी पर डे उसको आधे घंटा ही दे रहे हो, जाहिर सी बात है उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ना, तभी तो वो टॉपिक क्लियर होगा। तो वो टाइम मैनेजमेंट क्या आता है, यानी कि आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी वाइज टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या टाइम स्लॉट बांटना पड़ेगा। अगला है अवॉइड प्रोकेस्टिनेशन। अब इतना चीज़ आप अगर एक साथ लेके चलते हो घबराहट तो होगी ना, इसको इग्नोर करना है।
आप अपने गोल को हमेशा ध्यान दो कि मुझे इस गोल तक अगर पहुंचना है तो ये सारी चीज़ों से हमको पार जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है उसको अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएट एंड अडॉप्ट। देखो, हो सकता है 10 दिन की पढ़ाई करने के बाद आपका इम्प्रूवमेंट ज़ीरो हो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस चीज़ को इवैल्यूएट करना है कि मेरा जो प्रोग्रेस है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है। अगर कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको दूर करने पर काम करना है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो ये एक्सेप्ट करो, मुझे नहीं आ रहा है। अब ये नहीं कि पढ़े जा रहे हो कुछ आ नहीं रहा, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आप तो कह रहे हो कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे तो याद होगा ही होगा, एग्ज़ाम में देखेंगे। बट नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि नहीं आ रहा है। उस चीज़ को आप टीचर से पूछ सकते हो, किसी सीनियर से हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, इवन चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो आप। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, रेगुलर असेसमेंट। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको पता चले कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसका असेसमेंट करना शुरू करोगे कि मैं 10 दिन में इतने टॉपिक पढ़ाऊँ, अब उसको टेस्ट दे के देख लेता हूँ कि ये चीज़ें मुझे आ रही हैं कि नहीं, ये असेसमेंट के थ्रू होता है। अगला पॉइंट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप उसको नोट करते जाओ, उसको ट्रैक करो कि एक दिन में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, दो दिन में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। इवन अगर आपको डेली इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आप 5-5 दिन, 10-10 दिन का स्लॉट बना के इम्प्रूवमेंट को भी देख सकते हो। इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हेल्दी एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड। देखो, इतना भागदौड़ करने के बाद थकान तो महसूस होगी, आप एग्जॉस्ट फील करोगे, 4 दिन पढ़ने के बाद 5वें दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो श्योर है, जाहिर सी बात है, ये सबके साथ होता है, मेरे भी साथ होता है, आपके भी साथ होगा। तो आप 4 दिन पढ़ने के बाद 1 दिन का रेस्ट ले सकते हो, स्टार्टिंग में ये करो, बाद में आप उसको हाफ डे के लिए कर सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे के लिए कर सकते हो, इवन आप चाहो तो 1 दिन भी स्किप कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान दे के चलना पड़ेगा कि अगर मैं आज ब्रेक ले रहा हूँ तो अगले दिन 1 घंटा भी मुझे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको आपकी हेल्प लेनी है, चाहे वो टीचर से हो चाहे सीनियर से हो। और एक चीज़, हेल्थ, अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो उसके लिए आपका हेल्दी होना ज़रूरी है। टाइम टाइम पे रेगुलर एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड से दूर रहो, और वॉक पे जाओ, रनिंग के लिए भी आप जा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।